अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इरम्स बरकत किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपको टेस्टी टेस्टी दही भल्लों की रेसिपी बताने जा रहे हैं। चलें तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले भल्ले बनाने हैं। तो भल्ले बनाने के लिए हमने ये दाल को 2 घंटे पहले भिगोया हुआ है। इसमें हमने 1/2 कप जो है वो उड़द की दाल ली है और 1 कप जो है हमने ये मूंग की दाल ली है। इन्हें दोनों को मिक्स करके हमने भिगो दिया है, खूब अच्छे से वॉश कर दिया है। ये देखें, पानी एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। हमें भी खूब अच्छे से वॉश कर लेना है इसे। और अब क्योंकि ये भीग चुकी है तो अब हम अपना काम आगे शुरू करते हैं। अब हमें इस सारी दाल को एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है। सिर्फ हमें दाल ही दाल डालनी है, इसके ऊपर जो ये पानी है इसे बिल्कुल अलग कर देना है। ये देखें, हमें ये पानी बिल्कुल हटा देना है, पानी नहीं डालेंगे वरना ये पतली हो जाएगी दाल। फिर ये बिल्कुल हमने पानी को हटा देना है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। ये देखें, हमने दाल का एक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है मिक्सी के जार में डालकर। अब हम इसे वापस उसी डिश में डालना है। वापस हम इस पेस्ट को इसी डिश में निकाल लेंगे। ये अभी रेडी नहीं है, अभी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो फॉलो करना है हमें। इसको हमें इतना मैश करना है फ्रेंड्स, ये देखें आप, इसका येलो कलर है, इसे इतना मैश करना है 15 से 20 मिनट हमें, या तो स्पून से या फिर हाथ की मदद से। एक ही साइड रेगुलर हमें इसे मैश करते रहना है। इस तरह रेगुलर आप 15 से 20 मिनट तक इसे मैश करते रहें, इसका कलर चेंज होता चला जाएगा, ये येलो से वाइट हो जाएगी। अब फिर समझ लें कि दाल आपकी बिल्कुल रेडी है भल्ले बनने के लिए। इसके अंदर हमें कुछ नहीं ऐड करना, ना नमक, ना हमें इसके अंदर सोडा डालना है, बस हम ऐसे ही बनाएंगे। ये मैश करने वाला स्टेप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके भल्ले बहुत बढ़िया बनाने के लिए, बहुत काम आने वाला है ये। रेगुलर 15 मिनट्स, ज़्यादा भी कर सकते हैं 20 मिनट्स तक कर लें, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। दही बनाने का भी हम आपको मेथड बता दें। दही हमने 400 ग्राम दही लिया है, 1 कटोरी हमने क्रीम लेनी है या फिर आप फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून हमने चीनी ली है और ये ब्लैक पेपर और क्यूमिन का जो है मोटा मोटा दरदरा सा पाउडर है, रोस्ट किया हुआ है हमने इसे। अब हमें अच्छे से दही को पहले मिक्स करना है स्पून से। दो तीन मिनट हमें रेगुलर दही को मैश करते रहना है। इसके बाद हमें दही के अंदर ये क्रीम ऐड कर देनी है, फ्रेश मलाई हो तो आप वो भी यूज़ करें। फिर हम ये चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर और बस आप इसे जितना हो सके हमें हाथ से ही मैश करना है, ये बहुत ही स्मूथ बन जाएगा मैश होते होते। दही भल्लों का दही और भल्ले सौंठ सब कुछ, कोई एक भी चीज़ ठीक से ना हो तो दही भल्लों का वो टेस्ट नहीं आ पाता जो हमें चाहिए होता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से सारे स्टेप्स को फॉलो करें। खूब अच्छे से इसे मैश करना है। इसमें ये जो लम्स दिखाई दे रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। खूब अच्छे से इसे 5 से 10 मिनट मैश करें, बिल्कुल क्रीमी हो जाना चाहिए ये। देखिए फ्रेंड्स, दही को हमने खूब अच्छे से मैश कर लिया है, ये एकदम क्रीमी क्रीमी हो गया है। अब हमें इसके अंदर ये 1/2 कप हमने दूध ऐड करना है। ये दूध ऐड कर दिया है हमने।
वन कप भी डाल सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी सही रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं चाहिए। ये देखें, अब इसके अंदर ये हमने हाफ टी स्पून लिया है क्यूमिन और ब्लैक पेपर पाउडर। ये ज़रा मोटा ही था, इतना पाउडर नहीं था। ये हमें दही में ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून ऐड करके देख लें, अगर आपको कम लगता है तो फिर आप वन टी स्पून भी ऐड कर सकते हैं। ये दही अब बिल्कुल रेडी है हमारा। अब हम भल्ले बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, भल्ले बनाने के लिए हमें अब सबसे पहले एक बड़े से बर्तन के अंदर, ये हमने तकरीबन आधा लीटर पानी लिया है, और इसके अंदर हमें हींग ऐड कर देनी है क्वार्टर टी स्पून, और हाफ टी स्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से पानी में हमें मिक्स कर देना है। ये देखें, ये पानी में मिक्स कर दिया है हमने। फ्रेंड्स, ये पानी बिल्कुल रेडी है। अब हमने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये हमने इसे तेल को हमने मीडियम हाई फ्लेम पर गरम करने रख दिया है। अब हम भल्ले बनाएंगे। दाल भी हमारी देखें बिल्कुल रेडी है, येलो से एकदम वाइट कलर आ गया है। हमने इसे खूब अच्छे से 15 से 20 मिनट मैश किया हुआ है। चले अब हम इसकी फुलकियाँ डालना शुरू करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। एक बात और मैं आपको बता दूँ, जब हम इसकी फुलकियाँ तलेंगे तो हमें हैंड टू हैंड वो फुलकियाँ ऑयल में से निकाल कर, उनका ऑयल रिलीज कर कर हमें सीधा इस पानी के अंदर हींग और नमक के पानी में डालते जाना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा फुलकियों में। आप खाली भी टेस्ट करके देखेंगे तो बहुत ही आपको टेस्टी लगेगी वो फुलकी जो भल्ला बनेगा हमारा। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर फुलकियाँ डालना शुरू करते हैं। ये देखें, हम इसी स्पून से ये फुलकियाँ डाल रहे हैं। पूरा स्पून हमें भर कर लेना है अच्छे से, और नीचे से इसे क्लीन कर लेना है। एक एक करके हमें ये फुलकियां कढ़ाई में डालते जाना है। मीडियम हाई फ्लेम रखी है हमने। ये खुद ही गोल होती चली जाएंगी, बहुत खूबसूरत शेप ले लेंगी ये। देखें फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये फुलकियाँ जो हैं फ्राई हो रही हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। ये अपनी शेप खुद ही एकदम गोल हो जाएंगी। आप मीडियम साइज़ के स्पून से इसे, टी स्पून से बड़ा स्पून यूज़ करें, क्योंकि ये भल्ले जो हैं थोड़े बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं, छोटे नहीं अच्छे लगते हैं। देखें, मैश करने से ही आपकी इतनी फूली फूली और बड़ी अच्छी इनका टेक्सचर आएगा फुलकियों का। जितना हो सके आप इन्हें बहुत अच्छे से मैश करें। कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दाल को आपको खूब अच्छे से मैश करना है। वही डिपेंडेड है इस बात पर कि आपकी फुलकियाँ कैसी बनती हैं दही भल्लों की। 2-3 मिनट हम बीच में आप थोड़ा लो फ्लेम कर देंगे ताकि अंदर तक से खूब अच्छे से हो जाए। गोल्डन गोल्डन कर लेनी है हमें, तेज़ नहीं होने देना है ज़्यादा फुलकियों को, और अंदर तक से ये हो जानी चाहिए, अंदर से भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये दही भल्लों की फुलकियाँ जो हैं बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, एकदम बढ़िया सा गोल्डन सा कलर आया है। ये देखें, अब हम इसे इनको पानी में डाल देंगे। एक बार और हम आपको बता देते हैं कि ये फुलकियाँ कैसे डालनी है। बहुत इजी है, बिल्कुल ना घबराएं इन्हें डालने में।
ये देखें, बस क्वांटिटी हमें ध्यान रखनी है एक ही साइज की फुलकियां बनाने के लिए। जो हम स्पून लेंगे वो हमें उतना ही फिल करना है जितना बड़ा हमें साइज चाहिए फुलकियों का। और ये बड़े ही अच्छे लगते हैं, भले छोटे छोटे अच्छे नहीं लगते हैं ज़्यादा, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं बड़े बड़े भल्ले। ये देखें, बस अब हमें इन्हें फ्राई कर लेना है अच्छे से, खुद ही इनकी शेप बहुत बढ़िया होती जाएगी। इन्हें भी हमें गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, फिर ये बिल्कुल रेडी है। जो फुलकियाँ हमने पहले से डाली हुई थी फ्राई कर पानी में, ये अब बिल्कुल रेडी हो गई हैं, ये अच्छे से भीग गई हैं। तकरीबन एक दो घंटे तो आप इन्हें भिगो कर रखें, ये तभी अंदर तक से बहुत अच्छी हो जाएंगी। चले तो अब हम इसकी प्लेटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इन भल्लों को एक एक करके पानी में से ऐसे हाथ से रब करके इनके पानी को निकाल देना है और फिर प्लेट में रखते जाना है। जितने आपको चाहिए उतने ही निकाल लें आप। ये देखें कितनी बढ़िया गोल गोल हमारे ये फुलकियाँ तैयार हुई हैं। ऐसे प्रेस करके हमें इनका पानी निकाल देना है। अभी हमें इतनी ही चाहिए इसलिए हम इतनी ही निकाल रहे हैं। भल्ले बिल्कुल रेडी हैं, दही रेडी है। अब हम इनको पूरा परफेक्ट तैयार कर लेते हैं। ये हमें दही डालना है, अच्छे से एक एक भल्ले पर दही डालें। ये देखें, इसके बाद हमें इसके अंदर सौंठ ऐड करनी है। ये मेरी होममेड सौंठ है, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनी हुई है ये सौंठ। इसकी रेसिपी मैं फ़िलहाल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके लिए इसकी रेसिपी मैं लेकर आऊँगी यूट्यूब पर ही। चले तो अब हम इसके अंदर पहले हम इसके अंदर ये फ्रूट चाट मसाला ऐड करते हैं। देखें बहुत बढ़िया और टेस्टी लगते हैं ये दही भल्ले, एकदम मार्केट जैसा टेस्ट देंगे आपको, आप ट्राई करेंगे जब। बड़ा इक्वली हमें इसके ऊपर सौंठ डेकोरेट करनी है, जिसे ज़्यादा चाहिए वो अपने आगे ज़्यादा यूज़ कर सकता है। ये देखें दही भल्ले बिल्कुल रेडी हैं, बहुत टेस्टी दिखाई दे रहे हैं खाने में। आप ट्राई करें, आप भी इसका लुत्फ़ उठा पाएंगे और आपको ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।